अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस टाइम सुबह हो गई और मैं इस टाइम टेरेस में आई हूँ। यहाँ पे कौवा है, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अभी मैं जल्दी से यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें निकाल रही हूँ क्योंकि लेक्चर के दरमियान में खाने में बहुत मज़ा आता है। मास्क के अंदर डालो, बस वैन भी आने वाली है, मैंने रेडी भी होना है और बस मैं निकाल रही हूँ जल्दी जल्दी से। और एक मेरी बहन को बीच में पता नहीं क्यों आने की आदत है और ये खोल ही नहीं रहा था। जो हमने क्यूट सा कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया फिजिक्स के सर ने के लिए, जिसके 80 से प्लस मार्क्स आएंगे तो उनको प्राइज देंगे। ये मैंने ट्राइपॉड मंगवाया था और ये टूटा हुआ आया, मतलब मैंने पहली दफ़ा ही फ़ोन लगाया और बाहर आ गया। तो यार मैं कहती हूँ ये गलत बात है, आप एक दफ़ा सही चीज़ दो, मैं इसको चेंज करवाऊँगी, रिटर्न पे डालूँगी, फिर देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो मेरी कज़न का बर्थडे गुजरे हुए काफ़ी दिन हो गए, बट मैं गिफ्ट अब पैक करी क्योंकि मैं एक दिन में 3 पेपर वाले ट्रामा से गुजरी थी और अब मैं उससे बाहर आ चुकी हूँ अलहमदिल्ला। और इस टाइम 3 बज रहे हैं और इस टाइम ना ही तो मुझे कोई गिफ्ट बैग मिल सकता था ना ही गिफ्ट पेपर, तो बस मैंने फिर एफर शीट सारी जितनी भी मेरे पास पड़ी थी निकाल ली हैं और उनसे शुरू की। और ये छोटे छोटे मैंने क्यूट से नोट्स वगैरह लिख लिए हैं और मैंने हैंडमेड किचन थी वो डाल दी अंदर, और बस कैंडीज़ वगैरह मेरे पास मैंने अपनी चीज़ों में निकाला कि कुछ तो मिले गिफ्ट के साथ कि प्रेजेंटेबल लगे, मैंने डाल दी अंदर। तो अभी मैं थक गई हूँ बनाते जाते, मैं नूडल्स बना रही हूँ और अभी भी इतना ज़्यादा काम रहता है मेरा। तो अब मैंने इसको दोबारा सब कुछ बाहर निकाला क्योंकि मैं साथ साथ इंस्टा की वीडियोस भी बना रही थी, और अब मैं इसको सही वाला इंसानों की तरह पैक कर रही हूँ और साथ साथ कैंडी वगैरह डाल रही हूँ। तो इसको मैंने इन क्यूट से पेडल्स के साथ बंद करने की कोशिश की हूँ, बट ये कर रही ना, कह रहा कि भाई मैं तुम्हारी तरह ही ढीट हूँ, लेकिन हुआ ही नहीं। मैंने भी बहुत ट्राई की इसको, फिर मैंने हर जगह से इसको ग्लू लगा के बंद किए, बट एंड पर फाइनली जाके हो गया था। काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी इसके लिए। 2000 years later. यहाँ पे मेरी एक और फ्रेंड का बर्थडे था, मैं उसके लिए गिफ्ट वगैरह रेडी कर दी थी और साथ में मैंने किचन वगैरह लॉकेट था और ब्रेसलेट था, फिर उसका पैकेट जो बुक भी थी क्योंकि उसको वैसे बुक रीडिंग का शौक है, बट मैंने बुक वो उससे प्रैंक के लिए ली थी तो अच्छा सा पैक हो गया था उसका गिफ्ट। तो बस मैं कॉलेज से घर आ गई हूँ, इस टाइम दाल राइस बने बस वही खा रहे हैं, उसके बाद फिर अब देखते हैं क्या करना है। सो इस टाइम मैं पेंटिंग करने का दिल कर रहा था और मैंने अपनी चीज़ें वगैरह बाहर निकाल ली हैं, अब इसके अंदर से भी निकालते हैं। मैंने इस बैग में डाला था क्योंकि ये बैग ना काफ़ी अच्छा था, इसके अकॉर्डिंग मतलब पूरा मुझे लगा था कि सही है। ये कैनवस वगैरह जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किए हुए, इसमें छोटा भी होगा, मैंने बाहर से मतलब नॉर्मल बुक स्टोर से लिया था, तो मैं भी उसी पे करूँगी क्योंकि भरे का इतना मुझे भी है नहीं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। अभी मैं इस वाले पे करूँगी और मेरे पास वैसे और भी पड़े हैं, मतलब दो और हैं, एक ये और एक ये, और मैं पोस्टर कलर्स भी मैं निकालती हूँ सब कुछ। ये मेरी बुक है, स्केच बुक, वैसे इतना इतना कुछ खास है नहीं, जो मैंने अभी मैं जो नेट से देखे छुट्टियों में किया था वही हो गया। ये बायो का पता नहीं क्या बना हुआ है, ये कोई भी बना सकते हैं भाई मेरे साथ में, बस मुझे शौक चला था तो मैंने कहा बना लेते हैं एंड आगे जाते रहो। तो क्या होगा, ये कार्टून था, ये मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैलीग्राफी लिखी थी, ड्रॉ की थी सॉरी, और ये मेरी मुद्दा से चलती हुई आ रही थी, मैंने इसको सोचा था कभी हम करेंगे कम्प्लीट बट हुई नहीं तक, अभी इतनी पेंडिंग रहती है। अभी यहाँ पर सारा मैंने इसको ब्लू वगैरह करना, बट दिल ही नहीं करता तो मैं नहीं कितने का कैनवस पर करके देखते हैं, कुछ और कैनवस से मैं पता नहीं क्या ड्रॉ करूँगी बट देखते हैं। मैंने बनाया कुछ नहीं लेकिन पता नहीं भूख क्यों कैसे लग गई, तो मैंने अपने लिए अंडे वाला बर्गर और कॉक ऑर्डर किए क्योंकि लाइक अंडे वाले बर्गर की जगह कोई नहीं ले सकता। फॉर मी मेरे लिए यही है क्योंकि सबकी भाई अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं किसी को किसी की चॉइस पे जज नहीं कर सकती। तो इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं और अब मैं सोने लगी हूँ, हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।